हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग इफ फॉर्मूले के बारे में तो जानते ही होंगे। इफ फॉर्मूले का यूज वहां पे आता है जहां पे आपको डेटा को क्राइटेरिया वाइज या फिर कैटेगरी वाइज जमाना हो। लेकिन अपन कह सकते हैं, मान लो फ्रेंड्स आपका डेटा या क्राइटेरिया आपका फिक्स हो, जैसे 1 2 3 4 ABCD, तो वहां पे आप इफ फॉर्मूले की जगह चूज फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। चूज फॉर्मूला अपन कह सकते हैं इफ फॉर्मूले से बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक लाइफ चैनल में, जहां पे आप सीखेंगे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपके चूज फॉर्मूले के बारे में, और चूज फॉर्मूला अपन कह सकते हैं उसको लगाना बहुत ज्यादा इजी है इफ फॉर्मूले के मुकाबले। और जहाँ पे आपका डेटा या कैटेगरी अपन कह सकते हैं फिक्स है, अपन कह सकते हैं वहाँ पे आप चूज फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आज की वीडियो में सीखेंगे कैसे हम चूज फॉर्मूले को लगाते हैं और कैसे हम चूज फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई वीडियो डालूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि चूज फॉर्मूला को कैसे काम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे सामने देखते हैं, हमारे सामने 5% के नेम लिखे हुए हैं जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और पास में 10 सिटीज लिखी हुई है। तो हमने को फ्रेंड्स करना क्या है, इन 5% का ट्रांसफर करना है इन किसी भी 10 सिटीज में से किसी भी एक में। फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इन पर्सन का जो ट्रांसफर अपन रैंडमली भी कर सकते हैं, या फिर अपने को किसी इफ फॉर्मूला से अपने को जो डायरेक्टली जो सिटीज लिखनी है वो अपन लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं अगर आप इफ फॉर्मूला को यहाँ पे यूज लोगे तो वो फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो मान लो अपन फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं चूज फॉर्मूला से हम कैसे इजिली इसको लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। और इनके सामने अपन कह सकते हैं उन सिटीज के कोड भी लिखे हुए 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं इन कोड की सहायता से हम इनको रैंडमली भी सिटी को लेकर आ सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं सबसे पहले हम चूज फॉर्मूला को यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो चूज फॉर्मूला के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे सिटी के ऊपर, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू। इक्वल टू टाइप करने के बाद फ्रेंड्स मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे चूज CHOOSE। चूज टाइप करने के बाद मैं लग कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया। फ्रेंड्स ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सबसे पहली वैल्यू ये मैं बोल रहा है फ्रेंड्स इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के अंदर जहाँ पे मेरा कोड आने वाला, जहाँ पे मेरा कोड टाइप करूँगा जिसके अनुसार वो सिटी टाइप होगी, वो मेरे को अपन कह सकते हैं आपके जो इंडेक्स कोड है वो है अपन कह सकते हैं ये वाली सेल। इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया C2 को, फिर कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यूज ये मांग रहा है, जैसे वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 है। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं ये सारी सारी आपके पास सामने वैल्यूज है और इन वैल्यूज को आपको सेलेक्ट करना है 1 बाय 1। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं वैल्यूज को सेलेक्ट करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहे हो या फिर आप जो भी नाम को सेलेक्ट कर रहे हो उनको आपको सीरीज वाइज सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जिस सीरीज में आप सेलेक्ट करोगे ये उसी सीरीज में उसको नंबरिंग देगा, आपके इंडेक्स नंबर देगा। मान लो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आपने जो अजमेर को पहले सेलेक्ट कर लिया और जयपुर को बाद में सेलेक्ट कर लिया, तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं चूज फॉर्मूला क्या करेगा, आपके अजमेर को नंबर 1 दे देगा और जयपुर को नंबर 2 दे देगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आपको सीरीज वाइज ही सेलेक्ट करना, ताकि चूज फॉर्मूला उसको इंडेक्स वाइज आराम से आपके जमा सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सेलेक्ट करता हूँ जयपुर को। अब जयपुर को जैसे मेरे को इसको नीचे ड्रैग भी करना है, तो ड्रैग करने के लिए मैं इसको पहले लॉक कर लेता हूँ। तो G1 को लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F4। तो फ्रेंड जैसे मैंने F4 प्रेस किया तो G1 जो मेरा पहला नाम है जयपुर वो लॉक हो चुका है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे कोमा। अब कोमा लगाने के बाद अपन कह सकते हैं फ्रेंड्स मैं कंट्रोल के साथ में जो आगे वाले नेम है उनको मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं ध्यान रखना आपको सीरीज वाइज ही नेम को सेलेक्ट करना है, डायरेक्टली आपको किसी बीच में नाम नहीं सेलेक्ट करना, ताकि उसकी वो सीरीज मेंटेन आपके बनी रहे। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं मेरे सारे के सारे नाम आपके इंसर्ट हो चुके हैं। अब मेरे को 1 बाय 1 इन सबको लॉक करना है, तो अपन कह सकते हैं मैं 1 बाय 1 आपके F4 से सबको लॉक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारी सारी सेल्स आपकी लॉक हो चुकी हैं। तो लॉक होने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को मैंने बंद किया फ्रेंड्स, और बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया एंटर। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू आपको डिफरेंट बता रहा है। तो अब मैं जहाँ पे यहाँ पे कोड में जाके जैसे 1 यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 के सामने कौन सी सिटी अपन कह सकते हैं 2 कोड किसका है आपके अजमेर का, वो आपके चेंज कर देगा। मान लो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कोड चेंज करता हूँ 5, तो 5 के सामने कौन सी सिटी है वो आपके चेंज कर देगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं अब इस लिस्ट को अपन कह सकते हैं चूज फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज अपने को ला के दे देगा। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं 1 बाय 1 आप जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे उसका ये नंबर आपको सामने शो कर देगा। जैसे अपन कह सकते हैं 1 पाली हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर, मारवाड़ और आपके उदयपुर। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आप इस तरह से चूज फॉर्मूला के हिसाब से आप डायरेक्टली कोड नंबर लिखकर उनकी सिटीज को उनके सामने इंसर्ट करवा सकते हैं, ये आप चूज फॉर्मूला से कर सकते हैं। और मान लो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं जो आपके ये कोड अपन कह सकते हैं कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करे, आपके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होने चाहिए, तो इनको रैंडमली सेलेक्ट करवाने के लिए मैं आप एक कोड लगाता हूँ रेंड बिटवीन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगाया आपके इक्वल टू। आपके इक्वल टू लगाने के बाद मैं लिखता हूँ RAND रेंड, और सेकंड नंबर जो मेरा यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है रेंड बिटवीन, तो मैं यहाँ पे रेंड बिटवीन को लगाया। फिर आपको लिखना है आपको जैसे अपन कह सकते हैं जो आपके कोड है वो 1 से लगाकर 10 तक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर कोमा लगाया और फिर लिखा मेरे को 10। आपके 1 से लगाकर 10 तक मेरे को रैंडमली नंबर को सेलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करता हूँ और एंटर कर लेता हूँ।
अब एंटर करने के बाद जो ये मेरा फॉर्मूला है उसको नीचे मैं ट्रैक कर लेता हूँ। तो ट्रैक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अपन कह सकते हैं जो आपके नंबर रैंडमली सेलेक्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10, 7, 6, 1, 2, तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं कंप्यूटर ने जो रैंडमली नंबर सेलेक्ट किए वो आपको नहीं चाहिए, आपको चेंज करवाने रैंडमली नंबर। तो आप यहाँ पे डिलीट को प्रेस कर सकते हैं। अब डिलीट को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके जो रैंडम नंबर है वो आपके चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से नंबर्स को चेंज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा अपन कह सकते हैं चूज फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैसे भी किसी भी लिस्ट को अपन कह सकते हैं बना सकते हैं, और आपके रैंड बिटवीन से किसी अपन कह सकते हैं कोड को चूज़ करना है तो हम कैसे रैंडमली किसी कोड को या नंबर्स को चूज़ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो अपन कह सकते हैं इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको चूज फॉर्मूले के साथ भी टाइप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि आपको चूज फॉर्मूला कैसे यूज करना है अपनी टेबल के अंदर और अपने डेटा के अंदर, और साथ में अपन कह सकते हैं रेंट बिटवीन फॉर्मूले का भी यूज आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अपन कह सकते हैं रेंट बिटवीन फॉर्मूले से आपकी जो नंबर है सीरीज है उसको ऑटोमेटिकली अरेंज करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपन कह सकते हैं फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।